हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 9th की मैथ से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से लिया गया है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बस ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 90% लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है। तो देखो, हम आप लोगों के लिए फ्री में इतना सारा मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है? इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। राइट 3a+4b+5c होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो, यहाँ पर आपकी बुक में एक आइडेंटिटी नंबर 5 दिया है। वो ये कहता है, मान लो x+y+z होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x² + y² + z² + 2 × x y। क्या हो जाएगा? 2 × x y + 2 × y z। क्या हो जाएगा? 2 × y z + 2 × z x। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। तो जब हम यहां से इसको कंपेयर कराएंगे इस वाले को, तो यहां से हम देखेंगे कि हमारा x है, तो x हमारा हो गया 3a, y हमारा हो गया 4b और z हो गया हमारा 5c। ठीक है, तो लिखते हैं फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम x+y+z होल स्क्वायर वी गेट, तो क्या मिलेगा? मिलेगा x = 3a। देखो, ये हमारा x है तो पहला टर्म, कॉमा y = दूसरा टर्म 4b, एंड देखो ये हमारा z है, z = 5c। देन अब यहां पर आइडेंटिटी 5 है, ये तो इसको राइट कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 5 वी हैव। तो चलिए फिर यही वाला यहाँ पे राइट करते हैं। आइडेंटिटी 5 क्या होता है? x+y+z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ओके, तो अब वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। 3a+4b+5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 2 × 3a × 4b प्लस 2 × देखो यहाँ पर लिखा है वाई जेड, वाई कितना है 4b और जेड कितना है 5c। ओके, प्लस ये लास्ट वाला रह गया 2 × z, कितना है 5c और x कितना है 3a। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर 9, a² + a² + 4² 16, b² + b² + 5² 25, c² + c². पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 24। लेटर a × b ab। ओके, प्लस 2 4 जा 8, 5 जा 40, b × c bc, प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। ओके, c × a ca। अब ध्यान से देखना, आपको बहुत जगह पर ca के बजाय ac देखने को मिलता है। ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, a पहले c बाद में, तो इसको भी हम मिटा करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट कर देंगे। क्या लिख देंगे? ए सी। क्या लिख देंगे? ए सी। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। तो आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।